तो टॉपिक का नाम है पिटॉट ट्यूब। पिटॉट ट्यूब, ये पिटॉट ट्यूब क्या होती है? पिटॉट ट्यूब देखने में ये होती है, ऐसी ट्यूब है। ये कहाँ लगती है? ये एरोप्लेन के विंग के ऊपर लगा देते हैं ताकि एरोप्लेन की स्पीड देख सके क्या है। तो एरोप्लेन की स्पीड ये देख बता देगा। कैसे बताएगा? जितनी तेज प्लेन चलेगा एयर का फ्लो उतना ही ज्यादा होगा ट्यूब में से। वो एयर के फ्लो से कैलकुलेट करके बता देगा कि उसकी वेलोसिटी क्या है। तो पिटॉट ट्यूब का एग्जाम्पल क्या है? अ पिटॉट ट्यूब इज माउंटेड ऑन एरोप्लेन विंग टू मेजर द स्पीड ऑफ द प्लेन। तो प्लेन की स्पीड मेजर करने का ये काम करेगी। द ट्यूब कंटेन्स एल्कोहल एंड शोज अ लेवल डिफरेंस ऑफ 40 सेंटीमीटर। कह रहे हैं जी प्लेन के ऊपर लगाओ, प्लेन मूव कर रहा है, प्लेन अगर मूव कर रहा है तो विंड चल रही है, तो जो विंड है अगर प्लेन ऐसे मूव कर रहा है तो विंड ऐसे जाएगी और इस तरीके से जाएगी कि यहां पर टकराएगी। यहां पे ओपन है, ओपन मेन पाइप ओपन है भाई, बंद नहीं कर सकते। बंद करोगे तो वो टक्कर खा के उसको पिटॉट ट्यूब को उखाड़ के ले जाएगी, जगह ही नहीं मिलेगी ना। तो बंद नहीं कर सकते, आपको फ्लो तो बना के रखना है। तो एयर का फ्लो निकलेगा, जैसे ए में से एयर का फ्लो बिल्कुल सीधा जाएगा, जो ए में से, जो ए में से एयर जाएगी वो बिल्कुल एग्जैक्ट वेलोसिटी पे जाएगी जिस वेलोसिटी पे आएगी। लेकिन जो बी है यहां पे टक्कर खा के ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेट कह रहा हूं, रुक जाएगी हवा, रुकेगी हवा या बहुत कम हो जाएगी इसकी वेलोसिटी एज कंपेयर टू ए। ए में तो जगह है ना मूव करने की। अब बी में एंटर तो कर जाएगी, बी में एंटर करती है वो परपेंडिकुलर पाइप लगा दी जिससे कि हॉरिजॉन्टल फ्लो रुक जाएगा और जो है वेलोसिटी काफी स्लो हो जाएगी। अब होगा क्या, वेलोसिटी जब कम हो जाएगी, यहां पे वेलोसिटी काफी कम हो जाएगी और यहां पे वेलोसिटी काफी ज्यादा हो जाएगी, एयर का फ्लो हॉरिजॉन्टल हो रहा था, पर नॉलेज थ्योरम ये कहती है कि जहां पे वेलोसिटी कम है वहां प्रेशर एनर्जी बढ़ जाएगी और जहां वेलोसिटी ज्यादा है वहां प्रेशर की एनर्जी कम हो जाएगी। तो प्रेशर की एनर्जी कम होगी, प्रेशर की एनर्जी ज्यादा हो जाएगी। हमने किया था ना, वेलोसिटी कम होगी प्रेशर बढ़ेगा, वेलोसिटी बढ़ेगी प्रेशर कम हो जाएगा। तो जहां वेलोसिटी कम है वहां प्रेशर बढ़ गया, यहां प्रेशर कम हो गया जिससे कि प्रेशर डिफरेंस हो गया। तो एल्कोहल का यहां पे प्रेशर ज्यादा पड़ा, एल्कोहल ऐसी हो गई। तो एल्कोहल वैसे सेम लेवल पे थी, एल्कोहल सेम लेवल पे थी, पर यहां पर क्या हुआ, एल्कोहल के लेवल में फर्क आ गया। तो जब तक प्लेन उड़ेगा एल्कोहल के लेवल में फर्क आएगा, प्लेन रुक जाएगा लेवल सेम हो जाएगा। ठीक हो गया यहां तक? तो ये एल्कोहल के लेवल में कितना फर्क है, 40 सेंटीमीटर का फर्क आ गया। अगर प्लेन ज्यादा तेज चलेगा हो सकता है ये हाइट 60 सेंटीमीटर हो जाए, मुझे पता नहीं क्या होगी, पर इस क्वेश्चन में 40 सेंटीमीटर गिवन है, कोई डाउट इसमें? तो आपको ये बताना है इसमें कि स्पीड कितनी होगी प्लेन की, ये बताओ, ताकि 40 सेंटीमीटर गिवन है और स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ एल्कोहल गिवन है। स्पेसिफिक ग्रेविटी एल्कोहल का मतलब क्या होता है? रिलेटिव डेंसिटी, एक ही बात है। रिलेटिव डेंसिटी या स्पेसिफिक ग्रेविटी एक ही बात है। और ये क्या होती है? डेंसिटी ऑफ एल्कोहल डिवाइडेड बाई डेंसिटी ऑफ वाटर। तो पानी की डेंसिटी ऐसे में 1000 है, तो डेंसिटी ऑफ एल्कोहल अगर निकालनी भी होगी तो 0.8 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1000 के साथ, तो आपके पास डेंसिटी ऑफ एल्कोहल आ जाएगी इफ रिक्वायर्ड। क्लियर है यहां तक? पाइप में क्या मूव कर रहा है? एयर, और एयर की डेंसिटी गिवन है। तो बर्नौली थ्योरम किस पे लगेगी, एल्कोहल पे लगेगी कि एयर पे लगेगी? पाइप में क्या फ्लो कर रहा है? एयर। तो बर्नौली थ्योरम किस पे लगेगी? एयर पे। तो आप दो पॉइंट्स ले लें, एक पॉइंट ए ले लें, एक पॉइंट अंदर बी ले लें। तो ए और बी में बर्नौली थ्योरम लगा दिया आपने। वेयर इंपॉर्टेंट है, लिखना लिख लो। यहां पर रो का मतलब है, यहां पर रो का मतलब है डेंसिटी ऑफ एयर, क्योंकि आप बर्नौली किस पे लगा रहे हो? एयर, क्योंकि एल्कोहल तो रुका हुआ है ना, वो तो प्रेशर डिफरेंस के चक्कर में रुक गया। अदरवाइज जो मूव कर रहा है वो तो एयर या पानी के ऊपर ही बर्नौली लगती है, मूविंग वाटर या मूविंग एयर पे, तो एयर मूव कर रही है, फिर रो इज डेंसिटी ऑफ एयर। क्या ये पॉइंट क्लियर है? हाइट का डिफरेंस हम लेते नहीं तो ये लगा दी। अब कई कहेंगे बर्नौली थ्योरम ऐसी तो की नहीं हमने, हमने कैसी की है? पी बाय रो प्लस जी एच प्लस वी स्क्वायर बाय टू इज अ कांस्टेंट, हमने ये की है। तो मैंने सिखाया था डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दो, अगर मैं रिजल्ट को डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास ये रिजल्ट आ जाएगा। क्या ये स्टेप क्लियर है यहां तक? ये बर्नौली, तो बर्नौली को लिखने का ये भी तरीका है, बर्नौलीज को लिखने का ये भी तरीका है, दोनों तरीके हैं, कोई डाउट इसमें? तो मैंने बर्नौलीज थ्योरम दूसरे तरीके से लिख दी है, एक ही बात है, आप पहले तरीके से तो भी चलेगा। तो यहां पे बी पॉइंट पे ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेट वेलोसिटी को क्या ले लेते हैं? जीरो, जीरो रुक जाती है, परपेंडिकुलर पाइप है। और ए पॉइंट पे वेलोसिटी मुझे निकालनी है विंड की, जो कि वी है, तो वी ए की जगह वी, वी बी की जगह जीरो। तो यहां पे इसको अगर मैं जीरो पुट कर दूं, इसको मैं वी पुट कर दूं, तो मेरे पास क्या आएगा? हाफ रो वी स्क्वायर
पी बी पी ए को इधर ले जाओ तो क्या बनेगा, पी बी माइनस पी ए। अब पी बी माइनस पी ए कैसे निकलेगा, एल्कोहल बताएगा, क्योंकि वो प्रेशर डिफरेंस कौन फील कर रहा है, एल्कोहल। एल्कोहल से पूछो कि प्रेशर डिफरेंस है कितना ए और बी का, वो कहेगा जितना मेरी हाइट का डिफरेंस है, कितना 40 सेंटीमीटर हाइट का डिफरेंस है। तो एल्कोहल से पी ए माइनस पी बी की वैल्यू, पी बी माइनस पी ए की वैल्यू क्या होगी, एच रो डैश जी, ये जो हाइट है वो किसकी, एल्कोहल की, और डेंसिटी रो डैश किसकी है, एल्कोहल की। लिख लो रो डैश एच रो जी, एयर पे नहीं लग रहा, एच रो जी किस पे लग रहा है, एल्कोहल पे लग रहा है। क्या स्टेप क्लियर, तो लिख लो रो का मतलब डेंसिटी ऑफ एयर है, रो का मतलब डेंसिटी ऑफ एयर है, और रो डैश का मतलब डेंसिटी ऑफ एल्कोहल है। ये इंपॉर्टेंट है, नहीं तो आप लोग क्या करेंगे, डेंसिटी में कंफ्यूज हो जाएंगे। तो विंड के ऊपर बर्नौली लग रही है तो ऊपर एयर की डेंसिटी चल रही है, लेकिन प्रेशर डिफरेंस एल्कोहल बता रहा है तो एच रोजी में एल्कोहल की डेंसिटी लग रही है। स्टेप क्लियर है, कोई डाउट इसमें, बस हो गया क्वेश्चन सॉल्व। तो यहां से पी बी माइनस पी ए पता लग गया, आपको क्या निकालना है, वी निकालना है। यहां से वी एक तरफ, बाकी टर्म्स एक तरफ, तो ये टर्म आ गई। आपको एल्कोहल की हाइट पता है, एल्कोहल की डेंसिटी पता है, जी पता है, एयर की डेंसिटी पता है, वी आ जाएगा आंसर डन। अब तो वी आ ही जाएगा। पिटॉट ट्यूब कैसे काम करती है, समझ में आ गया यहां तक।